अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों कैसे हो? तबीयत मिजाज ठीक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हमारा मैग्नेट कनेक्टर ख़राब हो गया है तो हम उसको आज रिप्लेस करने लगे हैं। तो चलें दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे रिप्लेस करना है और इसके कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। सबसे पहले आपने इसके अंदर जो लगी हुई हैं तारें वो खोल लेनी हैं। ये मेरी मैग्नेट कनेक्टर की इनपुट की तार थी, मैंने ये खोली है। पहले इसकी मैंने आउटपुट की खोल ली थी, अब मैं इसके कोयल की सप्लाई वाली तारें खोल रहा हूँ। सबसे पहले आपने ये देख रहा है कि आपकी ये इसको जो मेन सप्लाई मिल रही है ये ऑफ़ हो। ये साथ वाला लगा हुआ श्नाइडर का ब्रेकर मैंने ऑफ़ कर रखा है, तो फिर मैंने काम शुरू कर दिया है। तो मैंने इसकी कोयल की तारें भी खोल ली हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने सीधा करके फिर अपने न्यू मैग्नेट कनेक्टर में लगाऊँगा। मैंने ये सीधी कर दी हैं तारें ब्लैक एंड फेज वाली। ये A1 में मैं इसकी रेड वायर लगाऊंगा। A1 A2 मैग्नेट कनेक्टर की ये कोयल की सप्लाई की तारें होती हैं, मैंने A1 में ये रेड वायर लगा दी हैं। अच्छी तरह से इनको टाइट कर देना है कि लूज़ कनेक्शन ना रह जाए। अच्छी तरह से टाइट करने के बाद मैंने नीचे ये लगानी है ब्लैक वायर न्यूट्रल। ये मेरी इसको मैग्नेट कनेक्टर को मिल जाएंगी सप्लाई श्नाइडर कंपनी का, अच्छी कंपनी का मैंने ये लगा रहा हूँ मैग्नेट कनेक्टर। ये A2 में मैंने न्यूट्रल वाली वायर भी लगा दी है। अब इसको हमारी सप्लाई मिल गई है। जैसे ही हम अपना ब्रेकर ऑन करेंगे और अपना इसको सप्लाई देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको फिर नीचे एक पॉइंट, इसके 3 पॉइंट हैं, इनमें से एक पॉइंट पे मैं इसको दे दूंगा इनपुट दे दूंगा इसको ब्रेकर से निकाल के मैग्नेट कनेक्टर के इनपुट में दे दूंगा। अब इसका जो नीचे 3 पॉइंट बचते हैं, इनमें से एक पॉइंट में से जहाँ ऊपर लगाई हैं उसी के सेंटर वाले में, दरमियान वाले में, सीधे में इसकी आउटपुट भी लगा दूँगा। ये मैंने अच्छी तरह से इसकी बना लिए हैं क्योंकि मैग्नेट कनेक्टर के जब लगाने वाली तारें कुछ लग्स वगैरह की तरह बनी होती हैं, तो मैंने ये तार को सीधा इसका मुंह बना लिया है ताकि ये आसानी से मेरा दोनों तरफ दरमियान में तारें आ जाएं और सही टाइट हो जाए, ताकि बाद में स्पार्क वगैरह ना हो और मेरा मैग्नेट कनेक्टर ख़राब ना हो। और इसके मैग्नेट कनेक्टर में NC NO ये लगी हुई हैं, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, ये और सिस्टम कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी इसके बारे में आप दोस्तों को बताऊंगा। तो ये मैंने इसकी आउटपुट पे भी तारें लगा दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इसकी कुछ समझ आई होगी। तो मेरे चैनल वाजिद खान सोलर वाले को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। शुक्रिया।